तो यार YouTube का जो Instagram पर ऑफिशियल पेज है YouTube क्रिएटर इंडिया, उस पर YouTube ने एक पोस्ट किया जिसमें YouTube ने खुद बताया है आप अपने वीडियोज पर व्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आप व्यू इंक्रीज करने के लिए क्या क्या न्यू एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने चैनल पर, और भी बहुत कुछ बताया है जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके प्रॉपरली बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ए क्वेश्चन, इसका मतलब आप सभी के जो दिमाग में क्वेश्चन रहता है वही यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिए लिखा है हाउ डू आई कीप माई कॉन्टेंट फ्रेश, मतलब आप अपने वीडियो को आप अपने कॉन्टेंट को फ्रेश कैसे बना सकते हैं, रख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेशन, यहाँ पर लिखा है कनेक्ट विद अदर क्रिएटर्स, लर्न न्यू स्किल्स एंड फाइंड न्यू व्यूअर्स। यार यहाँ पर यूट्यूब का कहना है लर्न न्यू स्किल्स एंड फाइंड न्यू व्यूअर्स, अगर आपको अपने चैनल पर नया व्यूअर्स चाहिए, आपको नया नया चीज़ें सीखना है, तो आपको कोलैबोरेशन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर है तो आप किसी दूसरे क्रिएटर को ढूंढो जिसके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर है और आप आपस में दोनों कोलैब कर सकते हो। एक बात ध्यान देना, कोलैब जब भी करो कंटेंट कैटेगरी सेम होना चाहिए। अगर आप टेक की वीडियो बनाते हो तो अदर क्रिएटर्स भी जो है वो भी टेक की ही वीडियो बनाता होगा। सेकेंड पॉइंट है लाइव स्ट्रीमिंग, इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर लाइव स्ट्रीमिंग देन इनेबल यूट्यूब लाइव टू कनेक्ट विद योर फैंस एंड इन रियल टाइम। अगर आपका चैनल एलिजिबल है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल है आपके चैनल पर, तो आप बीच बीच में लाइव स्ट्रीमिंग करते रहिए जिससे कि आप अपने व्यूअर्स अपने सब्सक्राइबर के साथ कनेक्ट रह सके रियल टाइम पर। थर्ड पॉइंट है पिवोट योर कंटेंट, ए स्ट्रेटजिक चेंज इन योर कंटेंट कैन सेट यू अप फॉर सक्सेस। अब यहाँ पर यूट्यूब बोल रहा है आपको बीच बीच में चेंजेस लाते रहना है, अपने प्लान्स को अपने कंटेंट को अपने आप को बीच बीच में चेंज करते रहना है, हमेशा एक जैसा नहीं रहना है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूँ, आप मेरे पहले की वीडियो देख लीजिए और अब की वीडियो देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस लाना है। टाइम के साथ आपको सारा कुछ बदलते रहना है, चेंजेस लाते रहना है, एक जैसा नहीं रहना है। फोर्थ एंड लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट ए सेकेंडरी चैनल टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू फॉर्मेट विदाउट लूजिंग योर व्यूअर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूट्यूब बोल रहा है आपको एक न्यू चैनल बना लेना चाहिए, आपको एक सेकेंडरी चैनल बना लेना चाहिए न्यू एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब मान लीजिए आपका टेक कैटेगरी का चैनल है, आप अपने चैनल पर केवल यूट्यूब रिलेटेड यूट्यूब के नॉलेज के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं और उसी टाइप का आपके चैनल पर सब्सक्राइबर है, उसी टाइप का आपके चैनल पर व्यूवर्स जुड़े हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर अनबॉक्सिंग की वीडियो डालूं, तो आप डेली अगर अनबॉक्सिंग की उस पर वीडियो डालते रहिएगा तो आपके जो सब्सक्राइबर हैं आपके जो व्यूअर्स हैं वहाँ पर, दूसरे कैटेगरी के व्यूअर्स आपके चैनल पर जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको जब पता चलेगा कि आपके चैनल पर केवल अनबॉक्सिंग वीडियो आ रही है, वो जब देखेंगे कि एक दिन देखेंगे दो दिन देखेंगे डेली देखेंगे, तो आपका क्या होगा, आपका चैनल का जो है मतलब इंप्रेशन कम होता जाएगा और आपका जो सब्सक्राइबर है वो भी लो होता जाएगा। तो इसलिए यूट्यूब बोल रहा है कि आप ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सेकेंडरी चैनल बना लीजिए, सेकेंड चैनल बना लीजिए और आप उस पर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों जो पॉइंट है समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।